वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अभ्यास की महत्ता को समझने के लिए प्रसिद्ध महान संस्कृत विद्वान कालिदास के जीवन से अधिक बेहतर दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रारंभ में अत्यधिक मूर्ख के रूप में चर्चित कालिदास ने अभ्यास के बल पर ही स्वयं को इतने उच्च स्तर के विद्वानों की श्रेणी के सिरमौर के रूप में स्थापित कर दिया। संस्कृत के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान वरदराज की प्रारंभिक मूढ़ता भी सर्वज्ञात है। एकलव्य द्वारा किए गए अभ्यास का परिणाम भी दुनिया जानती है। इतिहास में ऐसे महापुरुषों एवं चर्चित व्यक्तियों की गाथा भरी पड़ी है जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था की अपनी मंद बुद्धि एवं अकुशलता को सिर्फ अभ्यास के माध्यम से समाप्त करके स्वयं को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचना लगभग सभी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का लक्ष्य होता है। जिस प्रकार कोमल रस्सी निरंतर आते जाते कठोर पाषाण पर भी अपने निशान स्थापित कर देती है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास के द्वारा विद्वान बन जाता है। संसार के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बिना अभ्यास के उच्चता या श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति की बात छोड़ ही दीजिए, बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने नैसर्गिक बुद्धिमत्ता के गुण का परिष्कार एवं संवर्धन करने के लिए अभ्यास का ही सहारा लेता है। बिना अभ्यास किए नैसर्गिक गुण भी विलुप्त हो जाते हैं। किसी भी काम को निरंतर करते रहने से किसी व्यक्ति की कुशलता की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है, उसकी उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत होती है, उसके कार्य की उत्कृष्टता सनह सनह और अधिक श्रेष्ठ होती जाती है। अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण पाता है। जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का दृढ़ता से मुकाबला करता है। बाधाएं तो मनुष्य की कर्मशीलता एवं कर्मण्यता को उजागर करती हैं। कर्मशील व्यक्ति निरंतर बाधाओं का साहसपूर्ण सामना करते हुए एक दिन उस पर सफलता प्राप्त करता है, जबकि अकर्मण्य व्यक्ति बाधाओं से निराश एवं उत्साहहीन बन इसी को नियत मान लेता है। वास्तव में मनुष्य की क्षमता, अमूल्य जीवन के प्रति उसकी गंभीरता, कष्ट सहिष्णुता एवं पौरुषमयता आदि गुणों का प्रकटीकरण बाधाओं के बिना संभव नहीं है। सिर्फ गुणों का प्रकटीकरण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन गुणों को साधन बनाकर निरंतर अभ्यास के द्वारा बाधाओं से पार पाना आवश्यक है। अभ्यास के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उपरोक्त विशेषताओं को और अधिक निखार कर संघर्ष के लिए अपने हथियारों को और अधिक पैना या तीक्ष्ण करता है, जिससे उसकी धार सभी बाधाओं के जाल को काट सके।
इस धार को बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। बिना अभ्यास के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हथियार भी निष्क्रिय हो जाते हैं और उसका उपयोग करके लड़ाइयाँ जीतनी कठिन ही नहीं असंभव हो जाती हैं। दुनिया का कोई भी सफल एवं महान व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसने सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास का आश्रय नहीं लिया हो। वास्तव में सफलता प्राप्ति के लिए जितना दृढ़ संकल्प आवश्यक होता है उतना ही अभ्यास भी, अन्यथा तमाम गुणों की विद्यमानता भी असफलता को नहीं रोक सकती। अभ्यास का ही दूसरा नाम कार्यशीलता है। सपनों की मृग मरीचिका से कोई लाभ नहीं यदि कर्मशीलता का अभाव हो। स्टॉप।